एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, तो कहीं मत जाएगा, पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो कि बहुत से लोग हमें कमेंट्स करके पूछ रहे थे सीसी क्रीम के बारे में, कि ये किस तरह से वर्क करता है, कैसे हम अपना सेट चुने। और इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अब तक अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि DIY रिव्यू, शॉपिंग, मेकअप वगैरह से रिलेटेड वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और हेल्पफुल भी होता है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करके जाएगा, वैसे पहले फुल वॉच कर लीजिए। आज मैं बात कर रही हूँ लैक्मी 9 to 5 सीसी क्रीम के बारे में। वैसे तो सीसी क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप अगर यूज़ कर रहे हैं डेली मेकअप के रूप में भी, अगर आप यूज़ कर रहे हैं डेली मेकअप के लिए, मेकअप बेस के रूप में आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा सेट चुने, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कैसा सेट लें जो हमारे स्किन पे परफेक्ट आ जाए, परफेक्ट सेट हो, और कि इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं, हर रोज़ इसको यूज़ करना क्या ठीक रहेगा। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है, इसमें जो लिखा गया है वैसे ही वर्क करता है कि ये लैक्मी का 9 to 5 सीसी क्रीम जो कि 4 शेड में अवेलेबल है, एक है बैगी, 2 है हनी, 3 है ब्रॉन्ज और 4 है आलमंड। तो किस तरह से आप अपने स्किन टोन के अनुसार से इसमें से कोई भी सेट ले सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। वैसे तो इंडियन स्किन टोन कह सकते हैं, जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्किन टोन पाया जाता है वो वाइटिश स्किन टोन, जो कि गेहुआ कलर कह सकते हैं या फिर गोल्डन, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है 02 शेड जो कि है हनी का। और मैंने भी ये हनी वाला शेड लिया है क्योंकि ये परफेक्टली मेरे स्किन टोन से मैच करता है ये। तो आप भी उसके उसी प्रकार से अपना स्किन टोन के अनुसार से आप सेट चूज़ कर सकते हैं। वैसे बैगी वाला जो सेट है वो बहुत ही ज़्यादा गोरे लोगों के लिए है, जो कि फेयर टू फेयर, मतलब एकदम मिल्की वाइट कह सकते हैं ना, उन लोगों के लिए। अगर आपकी स्किन भी ऐसी है तो आप ये वाला सेट ले सकते हैं, 01 बैगी सेट जो लिखा गया है, और 02 हनी जो कि मैंने बताया कि वाइटिश स्किन टोन अगर आपका है, रंग अगर गेहूं आए ना ज़्यादा गोरे हैं और ना ही सांवले हैं, तो उन लोगों के लिए ये हनी वाला शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे से मैच करेगा आपके स्किन टोन के अनुसार से। और उसके बाद आता है ब्रॉन्ज वाला सेट। तो आप लोग पूछ रहे थे कि सांवले स्किन के लिए कौन सा सेट यूज़ करें, तो सांवले स्किन के लिए आप ब्रॉन्ज सेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है तो वहाँ पे आप ये आलमंड वाला शेड यूज़ कर सकते हैं। मैं बता दूँ, ये क्रीम लगाने के बाद आपकी स्किन जो है एकदम स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रोज़ अगर आप ये इस क्रीम से अगर आप मेकअप करते हैं उसके बाद हमेशा के लिए आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, ऐसा ये क्रीम दावा नहीं करता। बस जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे ग्लो आ जाती है, स्मूथ सा निखार आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी है क्योंकि इसमें SPF 30 दिया गया है जो कि सन से भी प्रोटेक्ट करता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा ही होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल और ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद बेल आइकन, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए हेल्पफुल हो, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।